हेलो फ्रेंड्स, सरकार ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ट्रेडर्स चैनल में मैं कौशिक सरकार आपके साथ लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। मुझे पता है कि हमें मैक्सिमम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना पसंद करते हैं, लेकिन वहां पे अगर सही गाइडेंस मिले तो हमें अच्छा प्रॉफिट का उम्मीद यहां से मिल सकता है। इसलिए हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिस वजह से मैं आपको लाइव मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या खेल खिला रहा है, आगे क्या होने वाले हैं एज पर माई प्रेडिक्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्त, जिन लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, उनसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से कॉल जा रहा है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इससे जुड़ सकते हैं। लेकिन ट्रेड करना ना करना फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप अपना वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही ट्रेड कीजिएगा। चलिए दोस्त, मैं देखूंगा कि यहाँ पे आपको क्या कॉल दिया गया था, मैं दिखाऊंगा कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। अभी जैसे टाइम देख पा रहे हैं 11:15 का टाइम हो रहा है अभी, और मैं अभी लाइव मार्केट में आपके साथ ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। चलिए सीधे चलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये हम देख पा रहे हैं निफ्टी का चार्ट। ओके, निफ्टी का चार्ट में क्या देख पा रहे हैं, ये कंटिन्यू अप ट्रेंड होने के बाद कल से हमें निफ्टी में एक गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं कल का वीडियो में भी यही बताया था कि सुबह के सेशन में एक पॉजिटिवनेस आने के बाद जिस लेवल से आपको निफ्टी ब्रेक होना चाहिए था क्लियर, उसी लेवल से निफ्टी के ब्रेकडाउन शुरू हुआ है। ओके, अभी ब्रेकडाउन कहां तक जा सकता है, देखिए कल का लो को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, क्लियरली इस लो को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, इस हाई को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अब मैं यहां से अगर छोटी सी टाइम फ्रेम में चला जाऊं, तो क्योंकि हमें ट्रेड करने के लिए दिन के अंदर छोटी टाइम फ्रेम के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। यहां पर क्या होता है, मैं आपको क्लियरली बताया था कोई दिनों से, मैं समझा रहा था कि आपको एक अनुमानिक लाइन यानी कि जिसे हम ट्रेड लाइन कहते हैं, इसके सहारे से चलना चाहिए अगर आपको बाकी टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो। ओके, तो यहाँ पे हम जो ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ किया हूं, देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये ट्रेंड लाइन कहां से कहां बिलोंग कर रहा है। ओके, आप इसके साथ ये ट्रेंड लाइन के साथ चल सकते हैं, अगर यहां से थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आता है तो ये पॉजिटिवनेस कहा जा सकता है। ओके, कहां जा सकता है ये पॉजिटिवनेस, और इसके साथ जो बाकी टूल्स को हम यूज करते हैं, मैं यहाँ पे हमारे टेक्निकल एनालिसिस क्लास में, जो ऑनलाइन क्लास मैं आप लोगों को देता हूँ सिर्फ 7000 में, वहां पे जो चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ उसमें काफी चीज छुपा हुआ है, जो कि आप देखो जो क्लियर जो मार्केट में थोड़ा पुराने हैं उन लोग को क्लियर पता है कि ये जो लो तक आया था यहाँ पे हमें एक बार प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक हल्का बाउंस बैक हो सकता है। अब उस बाउंस बैक के बाद दोबारा जब इस लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ से नया लो बना सकता है। क्लियर, ये लेवल हम क्या देख पा रहे हैं 12750, तो 12740 से नीचे आएगा तो फिर से एक नया लो यहाँ से बनाएगा। अब वो लो कहाँ तक जा सकता है, चलिए ढूंढते हैं वो लोग नेक्स्टली लो जो है वो कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट लो जो मुझे लग रहा है वो आपको लेके जा सकता है, आपको लेके जा सकता है नियर अबाउट 12700 तक एंड उसके बाद 12650 तक, जो मैं कल के वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने यहाँ पे क्या कॉल आपको दिया हूँ, जरा मैं यहाँ पे दिखाने का कोशिश करता हूँ कि 12800 का पुट 130। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या टारगेट दिया था, और यहाँ पे दिया हूँ 28000 का पुट बैंक निफ्टी का 170 पे बाइंग एंड 230 का सेकंड टारगेट, अभी मैं दिया हूँ 350 का टारगेट। ओके, तो देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने, कोई यहाँ पे छुपाने वाली बात नहीं है कि बैंक निफ्टी 28000 का पुट, सेकंड टारगेट 350, टुडे लास्ट कॉल निफ्टी 28000 पुट अपटर 111, मतलब उस टाइम चल रहा था 109 रुपया। मैं यहाँ पे क्लियर लिखा था 111 के ऊपर बाइंग कीजिए, 122 एंड 130 टारगेट, अभी आपके सामने ये चल रहा है 130। तो क्लियर कि किस तरीके से कॉल यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं लॉजिक को समझा दिया हूँ कि इसका आगे क्या लॉजिक है। तो हम चले जाएंगे बैंक निफ्टी का चार्ट पे, और यहाँ पे छोटी टाइम फ्रेम के साथ अगर देखने का कोशिश करें तो यहाँ पे हम देखने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट कहाँ बन सकता है इसके हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा दूर तक पीछे चले जाते हैं एंड यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्टली जो सपोर्ट बन सकता है 28500। क्लियर, 28500। अब यहाँ से वही ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कीजिए कि यहाँ से अगर छोटी सी बाउंस बैक होता है तो कहाँ तक जा सकता है। फ्रेंड्स, सबके बीच में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, संडे को जो डेमो क्लास है ये आप लोगों के लिए, नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं इस संडे को ऑप्शन चेन को समझाऊंगा। जिन लोगों को ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं और ऑप्शन चेन को नहीं पता है, वो काफी अंधेरे में, काफी बैकवर्ड में पड़े हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं एक अच्छा सिटी, नंबर वन सिटी और एक बैकवर्ड गांव, तो वो क्या होता है, नंबर वन सिटी जहां पे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहां पे सर्विस वाले लोग होते हैं, जहां पे बड़े लोग होते हैं,
और जो गांव होते हैं, छोटी गांव होते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल लोग मैक्सिमम तौर रहते हैं, तो इसलिए हमें जब बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए तब हमें ऑप्शन चेन को जरूर समझना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा संडे को आप लोगों के साथ यूट्यूब में लाइव आने के लिए, कि यूट्यूब में लाइव आके ताकि काफी लोगों को मैं एक साथ क्लास करा पाऊं, अदरवाइज जूम मीटिंग के माध्यम से सिर्फ 100 लोगों को ही मैं क्लास करा पाता हूं। ओके, तो इस संडे का डेमो क्लास को अटेंड करना ना भूलिए। बाकी जो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी या निफ्टी का जो लेवल आपके साथ शेयर किया हूं, इसको देखिए एंड यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए कि निफ्टी किस तरीके से आपको यहाँ पे अप डाउन होता रहेगा। मार्केट का जो आज मेन गिरने का वजह, अब मेन गिरने का वजह क्या है, शुरू में मार्केट तेजी था, ये किस लिए तेजी था, कल मैं जब शाम को वीडियो बनाया था आपके साथ डिस्कस किया था। अभी जब देखेंगे रिलायंस, आप लोगों को सभी को पता है कि रिलायंस मार्केट के अंदर कितना हिस्सा रखता है, तो यहाँ पे रिलायंस जो वेटेज रखता है निफ्टी के ऊपर वो है लगभग 14% का। ओके, तो मैक्सिमम बहुत बड़ी वेटेज रखता है निफ्टी के ऊपर। इसका 15 मिनट का चार्ट देखिए, इसका 15 मिनट का चार्ट में क्या हो रहा है, तो इसका 15 मिनट का चार्ट में यह स्थिति हो रहा है। मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पर और एक कॉल दिया हूं कि 2900 का पी रिलायंस का, जो कि 29 पे बाइंग और 39, 49, 59 का टारगेट। ओके, आप क्लियर यहां पे देख पा रहे हैं जी, इस जगह पे रुक गया है, तो इस जगह को फिर से डाउन होगा तो एक क्लियर 2900 आराम से आ सकता है, लेकिन इस जगह को ब्रेक होने का इंतजार हमें करना चाहिए। ओके, तो ये है खिलाड़ी मार्केट का। अदरवाइज मैं यहाँ पे एनएससी इंडिया के साइड में जाके आपको दिखाऊं जो आज मार्केट में कितना एडवांस है, कितना डिक्लाइन है। तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे एडवांस था 35 और अभी देख रहा है 28, यानी कि मार्केट को रिलायंस गिरा रहा है और उसको साथ साथ देखते हुए बाकी स्टॉक भी गिर रहा है। यहाँ पे मार्केट को जो ओवर परफॉर्मेंस कर रहा है वो कौन है, वो है बजाज फाइनेंस सर्विस। बजाज फाइनेंस सर्विस एक हैवी वोल्टेज वाला स्टॉक है एंड हैवी स्टॉक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो सबसे फर्स्ट कॉल दिन में गया था वो गया था टाइटन, और 1320 में बाइंग था, 1320 में बाइंग था और 1340 तक का ये हाई लगाया है। तो ऑलमोस्ट आप लोगों को मैं लाइव मार्केट में ये चीज समझाने का कोशिश किया हूं जो क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, निफ्टी का कॉल, बैंक निफ्टी का कॉल, ये तमाम कॉल के साथ आपको मैं डिस्कस किया हूं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, मैं इस लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन के अंदर नहीं जा रहा हूं क्योंकि ऑप्शन चेन समझाऊंगा तो आप लोगों को शायद बहुत ज्यादा समझ में ना आए, पर भी मैं एक बार निगाह डाल लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जी 12800 का कॉल, 13,16,000 का, 13,16,000 का यहाँ पे फिगर दिख रहा है, यानी कि 12,800 को ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 12,800 को हम कॉल को सेल कर सकते हैं। ओके, जितना हम पुट बाय करके प्रॉफिट नहीं होगा। मैं यहाँ पे और एक चीज दिखाना चाहूंगा कि हमारा अंडर जो आस्था में अकाउंट ओपन कराए हैं उनको हम इस ग्रुप के अंदर क्या कॉल दिया था। तो आप देख पा रहे हैं कि इस ग्रुप के अंदर आस्था ट्रेडर सेल कीजिए, यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि 30,000 का कॉल, बैंक निफ्टी का 30,000 का कॉल 140, 160, 170 जो भी लेवल पे, फर्स्ट में मैं 130 पे यहाँ पे सेल कॉल दिया था और ये सेल कॉल आपको कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी आप 80 पे चल रहा है, यानी कि 50 पॉइंट का गेन विदाउट टेंशन। तो अगर आपके पास आस्था का अकाउंट है जहाँ पे आप सिर्फ 4,000 में ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, निफ्टी को सेल कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। देखिए 28,000 का पुट अभी ये चल रहा है, तो कंटिन्यू आप लोग इसमें को ध्यान रख सकते हैं। एंड हमारे अंदर अगर आस्था में ट्रेंड अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं और एवरी डे एक फिक्स प्रॉफिट लेना चाहते हैं, देखिए ये कहाँ चल रहा है, 130 पे सेल दिया था, अभी 80 चल रहा है 30,000 का कॉल। तो इस तरीके से परफेक्ट कॉल हमारे आस्था ट्रेडर्स को मिलते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर ये लाइव मार्केट का वीडियो आपको थोड़ी सी भी काम आया होगा तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, और हमारे कॉल से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भी लाइक जरूर दबाएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इधर उधर पेड सर्विस के चक्कर में ना पड़ के हमारा सर्किट ट्रेडर्स का फ्री कॉल को सर्विस को प्रोवाइड कीजिए एंड अर्निंग कमाते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए फिर मिलेंगे संडे डेमो क्लास में।